नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 390 के बारे में, यानी कि 390। और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, पॉइंट है हमारा गवर्निंग वेसल्स का 20 नंबर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानेंगे, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है तो दोस्तों, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में सारे पॉइंट्स बताए वन बाय वन, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था GV15 एक कुंड की दूरी पर, GV16 डेढ़ कुंड की दूरी पर, GV17 डेढ़ कुंड की दूरी पर, GV18 यहां से डेढ़ कुंड की दूरी पर, GV19 और यहां से डेढ़ ही कुंड की दूरी पर हमारा पॉइंट पड़ेगा GV20। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा, इसकी मेजरमेंट भी कई सारे तरीके हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, वरना जब हम दोनों ईयर से देखेंगे सेंटर में, जैसे ये मेरे ईयर है, ठीक है, एक ये एक ईयर, तो यहां से सेंटर में हम चलेंगे तो ये जो हम फिंगर मेरी जाके मिलेंगी दोनों बिल्कुल सेंटर में, जहां ये फिंगर जाके मिलेंगी वो हमारा GV20 होगा पॉइंट। और ये हमारा जो ये जो पॉइंट होता है, जहां से हमारे ये बाल घूमते हुए निकलते हैं, जहां पे चोटी वगैरह होती है, वो चोटी वाला जो एरिया है, ये हमारा GV20 पॉइंट होता है। और इसको दोस्तों मास्टर पॉइंट कहा जाता है, हमारी बॉडी का मास्टर पॉइंट। यानी अगर हम ये कहें कि कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, उसमें आप ये GV20 पॉइंट आप जरूर इंक्लूड करें, किसी प्रॉब्लम के लिए अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, GV20 जो मास्टर पॉइंट है बॉडी का, तो इसको आप जरूर इंक्लूड करें हर एक ट्रीटमेंट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो जान लेते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, नंबर वन दोस्तों, अगर किसी को वॉकिंग इम्बेलेंस है उस कंडीशन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, वॉकिंग इम्बेलेंस, ठीक है, वर्टिगो की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उस कंडीशन में दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, हेडेक की अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है हेडेक की, उस कंडीशन में दोस्तों आपकी हेल्प करेगा। बाकी तो मास्टर पॉइंट अगर ये कहा है, तो ये अनलिमिटेड जितने हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है उन सबको ये बैलेंस करने का काम करेगा, उन सबको ये ठीक करेगा, उन सब में हेल्प करेगा। तो जिस भी प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे वर्टिगो हेडेक हो, हाई बीपी लो बीपी वगैरह हो, इनडाइजेशन वगैरह हो, रेस्पिरेटरी हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किडनी जितनी प्रॉब्लम हो, उन सब में आप जीवी यानी गवर्निंग वेसल्स पॉइंट से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों GV20 पॉइंट को आपको क्या करना है, तरीका वही रहेगा कि आपको आधा से एक मिनट के लिए इस पॉइंट को प्रेस करना है, जितना सामने वाला बर्दाश्त कर पाए उतना प्रेशर देना है। ये वाला पॉइंट क्या है, हम ऐसे पीछे से करते हैं, यहाँ ये वाला GV15 है, यहाँ पे हाथ लगा के तब इस पॉइंट को दबाते हैं, तो अच्छा इसे ग्रिप बन जाती है हमारी। ठीक है, या फिर सामने की तरफ से भी ऐसे करके भी पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, हाथ आगे की तरफ आ जाएगा और ये थंब आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे भी अच्छा प्रेशर बन जाता है। GV19 का करना है तो भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर लेना है। अंगूठा यहाँ रख के फिंगर से दबाना चाहो फिंगर से, या फिर आगे की तरफ फिंगर करके अंगूठे से दबाना चाहो तो भी, बस पॉइंट की लोकेशन अच्छे से देखना है। तरीका वही रहेगा जैसा बताया हमने वीडियो में, जितना टाइम रखना है आधा से एक मिनट के लिए टाइम रखना है, प्रेशर आइडियल रखना है, तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।